विकी कौशल इंदौर के एक रिहायशी की तरफ से कानूनी मुश्किल में हैं, जिसने अदाकार पर आने वाली फिल्म में जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। रिहायशी ने विकी पर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। ये शिकायत उस वक्त सामने आई जब अदाकार को सैफ अली खान के साथ अगली फिल्म के लिए एक ही मोटरसाइकिल पर सवार देखा गया। जय सिंह यादव ने दावा किया कि वो फिल्म के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के नंबर का वाहिद मालिक है और अदाकार उनकी इजाजत के बगैर नंबर प्लेट को जाली नहीं बना सकता। फिल्म के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का नंबर मेरा है, मुझे नहीं मालूम कि फिल्म यूनिट को इसका इल्म है या नहीं, लेकिन ये गैर कानूनी है। वो मेरी नंबर प्लेट बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने स्टेशन पर एक मेमोरेंडम दिया है, इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज़ एजेंसी ANI ने यादव के हवाले से कहा कि जयपुर में विकी की कैटरीना कैफ के साथ शानदार शादी के एक माह के अंदर कानूनी परेशानी आ गई।